सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के आ रहे थे, आते आते महाप्रभु बीच में उन्होंने किया है भक्तों को, बोले तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं भिक्षा करके लाता हूँ। यहाँ पर कहते हैं आज कौन भिक्षा कर रहे हैं, कहते जो लक्ष्मीपति आज स्वयं भिक्षा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो लोग वैरागी है, इसलिए अपना जीविका निर्वाह करने के लिए कोई बिजनेस नहीं करनी चाहिए। वही सोचे हम अपना बिजनेस करके अपना जीविका निर्वाह करेंगे, कत नहीं, कहते साधु संतों को कोई बिजनेस के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पढ़ करके उनको भिक्षा द्रव्य के द्वारा ही उनको अपना जीविका निर्वाह करनी चाहिए है? इसलिए कम से कम समय लगा करके खाना पीना में ज्यादा से ज्यादा समय अपना भजन साधन में लगानी हमें चाहिए। इसलिए आज स्वयं भगवान होते हुए भी महाप्रभु स्वयं जाकर भिक्षा किए, क्योंकि लगता है ये जीवन में पहला बार महाप्रभु का भिक्षा है। तब इस भिक्षा को देख करके भक्त लोग कह रहे हैं, बोले भिक्षा द्रव्य देखी सभी लागिल हासिते, सभी बोले न प्रभु पारी वे पोषिते। भिक्षा द्रव्य जब देखा कहते महाप्रभु अपना जीविका निर्वाह कर सकते हैं और अपना भक्तों को भी ये पोषण कर सकते हैं भिक्षा को देख करके। इसलिए कहते भिक्षा करने से क्या होता है, कहते अपना कल्याण तो है ही है, कहते दूसरों का भी कल्याण होता है। जैसे कुछ भिक्षा द्रव्य ला करके जब कोई ठाकुर को सेवा में लगाते हैं, कहते जो कुछ वस्तु कोई देते हैं वो ठाकुर को सेवा में लगने पर धीरे 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 उसका संस्कार बनता है, हैं? संस्कार बनता है, जब संस्कार बनेगा वही संस्कार धीरे 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 आगे उसको भगवान के भजन में बढ़ाएगा। जब तक संस्कार नहीं हो तब तक कोई भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए नियम है अपना संचित वस्तु को एक चौथाई नहीं तो 10% हो, कुछ ना कुछ वस्तु साधु गुरु वैष्णव के लिए कुछ ना कुछ निकाल करके रखनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ऐसे करते करते जब नदी पार हुए, लेकिन नदी पार होने पर पैसा देना पड़ता है। अभी महाप्रभु को देखा लंबे चौड़े सुंदर, बोले ये तो साधु संन्यास तुम जाओ, लेकिन उनको साथ में दूसरे दूसरे भक्त थे, बोले पैसा निकाल। तब महाप्रभु को पूछे जी ये क्या तुम्हारे साथ में है, लेकिन महाप्रभु बोलते मैं इनको नहीं जानता, ये मेरे को नहीं जानते, क्योंकि महाप्रभु यहाँ से क्या देते हैं संन्यास का कुछ कोई नहीं होते, संन्यास अकेला होता है, उनको ना आगे नाथ ना पीछे बगा है, ये साधु संन्यास को कोई आपरा नहीं होता है, वो अकेले होते हैं। इसलिए महाप्रभु तो भगवान है, बोले मैं इनसे कोई नहीं लगता, ये हमारे कुछ नहीं लगते, बोले तुम लोग तो गृहस्थ हो, ये तो साधु संन्यास है, हैं तुम तो गृहस्थ हो। अभी उनके पास में कुछ पैसा नहीं, अरे महाप्रभु तो ऐसे बोल दिए
लेकिन एक महाप्रभु तो भक्त वत्सल है ना, लेकिन इनको छोड़ नहीं रहे, इनको साथ में से संगियों को छोड़ नहीं रहे थे। अभी महाप्रभु थोड़ी दूर में जा करके सर पर हाथ रख कर बैठे गए, मेरे भक्त लोगों को है ये छोड़ नहीं रहे। फिर महाप्रभु का शरीर में जो प्रेम है, दिव्य उन्माद, ये सब प्रेम को देख करके है, इनका दुख देख करके बोले तुम उसके सन्यासी का लोग, बोले हाँ तो ठीक है तुम भी जाओ, जाओ बाबा लोग जाओ, इनको छोड़ दिए। अभी छोड़ करके कहाँ पर आए, कहते उन्होंने सुवर्ण रेखा में आए है, कहते जो दंडवना नदी है, कहते सुवर्ण रेखा तक आए, वहां पर स्नान करके महाप्रभु ने कहा जगदानंद ये मेरे दंड को तुम धरो, अभी मैं आता। इतने में जगदानंद ने श्री नित्यानंद प्रभु को दिए, बोले नित्यानंद प्रभु ये दंड को धरो, मैं स्नान करके आता। इतने में नित्यानंद प्रभु क्या किया, बोले आरे दंड आमी जा रे बही हृदय से तुम्हारे बही में के एतो युक्ति नहीं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, कहते जो जगन्नाथ जी कृष्ण को मैं स्वयं अपना हृदय में बहन करता हूँ, जो मेरे प्रभु है, मैं उनका सेवक हूँ, मैं जिस प्रभु को अपना हृदय में धारण करता हूँ, ये तुमको बहन करेंगे, ये कैसे रीति है, हैं? ये क्या रीति है? इसलिए बोले बलि बलराम परम प्रचंड फैलीले ने दंड भांगी करी तीन घंटे। उन्होंने क्या किया, बलदेव प्रभु साक्षात बलदेव बल का आदिशा के बताए हैं, वो जो दंड था ना उसको उन्होंने तीन टुकड़े कर दिए हैं, तीन टुकड़े करके उन्होंने पानी में बहा दिए जा हैं। इतने में तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने तीन घंटे क्यों किया, कहते पहले महाप्रभु का एक दंडी, कहते दो तरह का सन्यासी होते हैं, कहते एक दंडी सन्यासी होती है और त्रिदंड सन्यासी होते हैं। महाप्रभु को जो दंड मिला था वो एक दंड सन्यासी मिला था, एक दंड था उसमें। इसमें महाप्रभु ने क्या किया, दंड को तीन खंड कर दिया, तीन खंड करके कहते ये एक दंड कौन उसको बंद करते, जो मायावादी है उनका फिलोसफी क्या है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म ही सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है सब कुछ है। इसलिए लेकिन जो भक्त लोग हैं इनका विचार ऐसे नहीं है, इसलिए उनने जो तीन खंड कर दिया है। कहते जो वैष्णव सन्यासी वो त्रिदंड धारण करते हैं, बताओ सब, इसलिए कहते जो वैष्णव सन्यासी वो त्रिदंड धारण करते हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु तीन दंड करके दे दिया। बोले वैष्णव को एक दंड धारण नहीं करनी चाहिए, हमारे जो पूर्व पूर्व जो आचार्य हुए हैं, जो वैष्णव सन्यासी हुए वो तीन दंड धारण करते हैं, हैं तीन दंड। उसमें तीन दंड में क्या है, कहते एक ही इंद्र दंड, एक है वज्र दंड और एक है ब्रह्म दंड। कहते ये तीन दंड हमारे दंड में उसमें तीन तीन रहती है, और उसका अंदर में एक है जीव दंड, जीव दंड में देखना ऐसे तीन दंड उसको साथ में ऐसे का दंड रहता है, ये जीव दंड है। इसका मतलब क्या है, ये त्रिदंड सन्यासी, बोले हमारे जो काय मन और वाक्य, काय मतलब शरीर, मन मतलब मन और वाक्य, त्रिदंड धारण करना मतलब क्या है, आज से हैं ये शरीर से हम जो कुछ करेंगे केवल हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, आज से ठाकुर की सेवा के छोड़ करके और कुछ करेंगे नहीं हैं। काय मन, मन को द्वारा आज से हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे तो केवल ठाकुर जी को ही चिंतन करेंगे। सर्वहि मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान का चरण कमल को ही हम स्मरण करेंगे। काय मन और वाक्य, कहते वाक्य को द्वारा बोले पहचान से वैकुंठ गुणान वर्णन, वाक्य को द्वारा क्या करेंगे केवल भगवान का ही गुणगान करेंगे, और दुनियादारी किसका गुणगान हम नहीं करेंगे। इसलिए ये जीव को दंड दे करके काय मन भक्त से हम भगवान की भक्ति भजन करेंगे, इसलिए क्या धारण करते हैं, त्रिदंड, त्रिदंड भक्त लोग ये त्रिदंड को धारण करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने ये नित्यानंद प्रभु ने, नित्यानंद प्रभु को नहीं गुरु तत्व है, गुरु का काम क्या है, गुरु का काम भक्तों को शिक्षा देना है, इसलिए मूल गुरु तो श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु है, इसलिए उन्होंने तीन दंड करके बहा दिया। जब बहा दिया इतने में महाप्रभु गए थे स्नान करने के लिए,
स्नान करके जब महाप्रभु आए, पहले जगदानंद पंडित आए, बोले दंड आए तुमको, मैंने दंड देकर के महाप्रभु का दंड देकर नहाने गया था, वो दंड कहाँ गया? कहते उसको तो मैंने तीन खंड करके नदी में बहा दिया। क्या महाप्रभु का दंड को तीन खंड करके नदी में कैसे बहा दिया? महाप्रभु आए, जब महाप्रभु आए बोले भैया मेरा दंड कहाँ है, मेरे दंड कहाँ गया है? इतने में नित्यानंद प्रभु ने क्या बहाना बनाया, बोले प्रभु मैं तो दंड पकड़ रखा था, लेकिन अपने जो ना भावा में से हम दंड को भर गिर गए तो दंड तीन खंड हो गया, इसलिए मैंने नदी में बहा दिया। नदी में मैंने उन्होंने महाप्रभु के ऊपर में दोष लगा दिए, बोले आप गिर गए तो दंड टुकड़ा टुकड़ा हो गया, हम क्या करेंगे? तब नित्यानंद प्रभु यहाँ कह रहे हैं जब अपना दंड अपने भागते पारे अन्य के, इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं अगर महाप्रभु का दंड हो उसको जगत में कोई तोड़ने का किसका शक्ति है क्या? भगवान को तो दंड नहीं, अगर कोई तोड़ सकते है खुद भगवान ही तोड़ सकते हैं, और कोई उनके दंड को तोड़ नहीं सकते, इसलिए तोड़ने वाले भी कौन है? बड़देव प्रभु, वो तो अभिन्न जगन्नाथ है, अभिन्न जगन्नाथ वो है। इसलिए महाप्रभु को सामने जब बोले, इतने में महाप्रभु ने बताया क्या तुम लोग को रास्ता में कोई झगड़ा क्या है? दंड तीन घंटा हो गया, मतलब क्या झगड़ा में कोई मारपीट, दंड से कोई मारपीट कर दिया, इसलिए दंड टूट गया क्या है? कहते नहीं मारपीट नहीं किया, बोले फिर कैसे टूट गया? बोले साधारण बांस बनता है, तीनों बांस चार बांस से बनता है, कहते साधारण तो ये बांस का टुकड़ा था। महाप्रभु बोले क्या क्या बोल रहे हो, उसको बांस के टुकड़ा कह रहे हो? कदी जो दंड को नारायण स्वरूप मान जाती है, ये दंड साधारण वस्तु नहीं, सख्यात भगवत स्वरूप, ये नारायण स्वरूप दंड है, हाँ? इसलिए दंड भागिले ने पाप नहीं इच्छा करी, क्रोध व्यंजी करे लागिले ने गौर हरी, हाँ? दंड भागिले ने अपने ही इच्छा करी, दंड को इच्छा करके तोड़ दिया, और तुम लोग कह रहे हो अपने आप टूट गया है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैंने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके सन्यास लिया, सन्यास लिया तो मेरे साथ में और कुछ है नहीं, सन्यास का तो कुछ होते नहीं, केवल एक दंड ही साथ में रहता है, एक दंड ही साथ में रहता है सन्यासियों का, भले लास्ट में मेरे साथ में एक ही दंड था है, तुम लोगों ने इसको भी है, इसको भी तुम लोगों ने बहा दिया, इसलिए महाप्रभु बोले देखो अभी मैं यहाँ से तुम लोगों को साथ में नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम लोग पहले जाओ नहीं तो मैं आप पहले जाऊंगा, बताओ तुम दोनों में कौन पहले जाएगा? बोले ब्रो आप ही साथ में जाओ, आप ही आगे जाओ। महाप्रभु वहां से आए, वहां से आ करके कहते हैं वहां पर कहते वहां पर जलेश्वर है, जलेश्वर है, कहते जलेश्वर के पास में महाप्रभु ने नृत्य कीर्तन किया, और जितने भक्त लोग पीछे थे वो आ करके फिर महाप्रभु के साथ में जलेश्वर में मिले, और मुकुंद जब वहां पर मिले बोले मुकुंद को बोले तुम खूब कीर्तन करो, निकंद जो मुकुंद ने कीर्तन किया बोले शिवेर गौरव बुझिया छेन गौर चंद्र एतेक संकर प्रिय सर्व भक्त वृंद, इसलिए कहते जलेश्वर जो महादेव है कहते वहां पर कहते शिवेर गौरव बुझले न गौर चंद्र एतेक शंकर प्रिय प्रिय सब भक्त वृंद, कहते जो शंकर जी को जो महिमा कौन जानते हैं? महाप्रभु जानते हैं। शंकर जी कौन है? वैष्णवानाम यथाश्रम सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हरि हरे का आत्मा भगवान का अभिन्न स्वरूप है, जो हर समय पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरा, वो हर समय पंचमुख में भगवान की नाम जप करते हैं शंकर जी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शिव सम को रघुपति प्रतधारी, मतलब शंकर जी के जैसे जगत में कोई भगवान की प्रत को धारण करने वाले कोई है? सबसे बड़े भक्त भगवान की कौन? स्वयं शंकर जी। इसलिए कहते रुद्र देहत जी नह बस वानर भय हनुमान, जब शंकर जी ने देखा इसी स्वरूप से मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता हूँ, स्वयं शंकर ही स्वयं हनुमान बन कर जाए, रामचंद्र की सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, इसलिए कथी भागवत कथा कौन किसको पहले सुना? शंकर जी सबसे पहले पार्वती को ये अमर कथा सुना। रामायण किसने रचना की? गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी सबसे पहले रामायण को रच करके अपना हृदय में रखा है, इसलिए गोस्वामी जब
रामचरितमानस लिखते हैं ना, बोले शंकर जी की कृपा से मैं लिख रहा हूँ, हैं, ये शंकर जी की कृपा से मैं लिख रहा हूँ। इसलिए जितने पुराण कौन है, शंकर जी बोलते हैं, पार्वती सुनती हैं, इसलिए शंकर जी भगवान की परम भक्त श्री भोले बाबा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं एतेक शंकर प्रिय सर्व भक्त वृंद, इसलिए जो शंकर जी सारे भक्तों का प्रिय है। लेकिन जो एक रामानुज संप्रदाय है, कभी ये रामानुज संप्रदाय में ये बड़े कड़क आदमी, अगर रामानुज संप्रदाय कोई अगर व्यक्ति चल गया ना, देखा शंकर जी का मंदिर है, उसको सामने होते हुए नहीं जाएगा। शंकर जी को इतना विरोध मानते हैं, शंकर जी के मंदिर में कभी नहीं जाएंगे रामानुज संप्रदाय के वैष्णव लोग, हैं? वैष्णव लोग क्यों नहीं जाएंगे, कारण है उसमें के रहस्य है। कभी ये लोग तो रामानुज संप्रदाय के हैं, पर ये शंकर जी को सामने ये लोग क्यों नहीं जाते, कारण क्या? बोले कारण है, पहले कुछ ऐसे लोग थे जो मानते थे जो शंकर जी की सर्वश्रेष्ठ, इनसे बड़े दुनिया में कोई नहीं, ये भगवान से भी बड़े हैं। एक कृमिकंठ राजा हुए, ये शंकर जी को उपासना करता था, हैं, इसलिए शंकर जी को उपासक था। और उन्होंने जब रामानुज आचार्य जब शुद्ध भक्ति धारा को प्रचार कर रहे थे, उन्होंने देखा भैया रामानुज आचार्य ऐसे विष्णु भक्ति को स्थापन कर रहे थे, दूसरे दूसरे धर्म उसका नीचे होते जा रहा था, और उस समय शंकर जी के भक्त वो भी शंकर जी के प्रचार करते थे, लेकिन रामानुज आचार्य स्वयं लक्ष्मण है, इनको सामने कहां टिक सकते हैं। फिर उन लोगों ने देखा कि रामानुज आचार्य तो बड़ी भक्ति प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उसको दंड देना पड़ेगा। वो राजा ने क्या किया, रामानुज आचार्य को बुलाया, बोले यहाँ पर विचार होगा, शंकर जी बड़े ना विष्णु बड़े। इतने में रामानुज आचार्य का जो शिष्य कुरेश थे, बोले गुरु जी आप वहां मत जाया करो, ये आपको मारना चाहते हैं, क्योंकि ये साइबर है, ये साइबर है, इसलिए आप वहां मत जाया करो, लेकिन आपका जो ड्रेस है वो ड्रेस मुझे दे दो, आपका ड्रेस पहन करके मैं जाऊंगा वहां पर। और वहां पर गए कुरेश, रामानुज आचार्य का ड्रेस पहन कर गए, और वहां पर बड़ी शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ में कुरेश ने उनका सारी मतवाद को उन्होंने खंडन कर दिया, वो टीक नहीं सके। कितने में बोले बताओ, लास्ट में शंकर जी बड़े ना विष्णु बड़े, तो उन्होंने बोले एक न्याय है, बोले चार ही शंकर में एक कौवा है, मतलब एक कौवा के समान चार शंकर के बराबर एक कौवा। बोले क्या, चार शंकर के बराबर एक कौवा, शंकर जी को इतना नीचा कर तो उसका आंख निकाल लो, जिंदा जिंदा पुरुष का आंख निकाल दे। इसलिए पहले ये एक न्याय है, इसलिए ये कुरेश ने बताया, इसलिए पहले उनको आंख निकाल दी। पर रामानुज आचार्य भ्रमण करते करते दुखी होकर घूम रहे थे, ऐसे कर दिया, भ्रमण करते करते फिर रामानुज आचार्य मिले, वो तो स्वयं लक्ष्मण है, फिर उन्होंने आंखों को बड़ा हाथ घुमाया तो सारे आंख अपने आप निकल कर आ गया, है। इसलिए उस समय में जो शैव जो पंथा है बड़े बड़े कट्टर थे, है, बड़े वैष्णव शैव बड़ी लड़ाई होता था, पहले बड़ी लड़ाई होती थी, है। इसलिए जो रामानुज संप्रदाय का जो लोग है वो शंकर जी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए विष्णु को नीचा मानते हैं, इसलिए कोई भी रामानुज संप्रदाय के कोई शंकर जी के मंदिर में नहीं जाते थे, विरोध मानते थे। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता है ना शंकर जी भगवान के प्रेम भक्त है, प्रिय भक्त है, प्रिय भक्त है। इसलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर कहते हैं, इसलिए जहां जहां शंकर जी का मंदिर है चैतन्य महाप्रभु गए, उनको प्रणाम किया, क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव है, उनकी कृपा से कहते ना कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण देते बारो तुम्हारा सकत याचे, हैं, परम वैष्णव है, भगवान कहाँ रहते हैं, बोले वैष्णव का हृदय में ही भगवान का निवास है, भक्तों का कृपा से ही भगवान मिलेंगे। इसलिए महाप्रभु है कहते शिव विरिंच नूतम शरणम, ये भागवत का श्लोक है, श्री चैतन्य महाप्रभु का वंदना करते हुए कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, शिव विरिंच नूतम शरणम, जिनकी चरण में शंकर जी ब्रह्मा जिनकी शरण जाते हैं, अद्वैताचार्य कौन है, सदाशिव स्वयं, स्वयं सदाशिव,
इन्होंने ही महाप्रभु जगत में बुलाया। इसलिए यद वैष्णव नाम यथा संभो, शंकर जी वैष्णव में अग्रगण्य है। बोले स्वयं नारद संभो कुमार कपिल मनु बोलो प्रहलाद जनक भीष्म बल्ली भैया सखी भैया, ये कौन कह रहे जब महाराज कदी ये बारह व्यक्ति ही धर्म तत्व को पर भी ये बारह तत्व बारह व्यक्ति जानते पर मतलब स्वयं भो मतलब ब्रह्मा नारद संभो मतलब स्वयं शंकर जी प्रहलाद जनक भीष्म कदी बारह हम लोग महाजन है धर्म तत्व में हम बारह व्यक्ति ही वास्तव धर्म भामी जानते हैं। इसलिए वो शंकर स्वयं कौन कह रहे हैं यह महाराज स्वयं कह रहे हैं मतलब विष्णु स्वामी संप्रदाय चार वैष्णव संप्रदाय श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक चार वैष्णव संप्रदाय। चार वैष्णव संप्रदाय में एक है श्री रुद्र संप्रदाय श्री ब्रह्मा रुद्र है जिसमें श्री जिसमें श्री विष्णु स्वामी जी आए। इसलिए शंकर जी से एक संप्रदाय निकला है जिसमें बल्लभाचार्य आदि ये सब भक्त लोग जिसमें आए हैं। स्वयं शंकर एक वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक वहीं से वैष्णव धर्म प्रारंभ हुआ। इसलिए कहते वैष्णव शंकर जी इसलिए कहते शंकर जी कौन बोले आदि गुरु शंकर जी है। कहते वासुदेव प्रपन्न सप्रिय तुमी इसलिए भगवान के शंकर जी भगवान के बड़े प्रिय हैं। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी रोज गोपीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे। वो कहीं भी ब्रज मंडल में रहते थे कहाँ रहते थे शंकर जी के पास में रहते थे। जैसे जब गोवर्धन में रहे गोवर्धन में श्री चक्रेश्वर महादेव थे। जब काम्यवन में रहे वो कामेश्वर महादेव है। जब वृंदावन में रहते थे रोज गोपीश्वर महादेव को ये दर्शन करने के लिए आते थे। इसलिए वो कहीं भी रहे वो शंकर जी को पास में अक्सर करके रहे। क्यों शंकर जी वैष्णव नाम यथा संभो और हर समय पंचमुख में भगवान की गुणगान करते हैं। इसलिए कहीं भी रहे शंकर जी को पास में वो रहे। देखो ये श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं बोले श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम। शंकर जी बड़े दयालु बड़े कृपालु गोपीश्वर है। सर्व क्लेश हरम देवम वृंदारण्यम रति व्रतम कहते सारे क्लेश को दूर करने वाले वृंदावन में प्रेम देने वाले कहते सनातन नारद देव कहते कौन है सनक सनातन नारद आदि की जो इंद्र है पूज्य है। इसलिए गोपीश्वरम ब्रज विलास युगांधर पद में प्रेम पज चंडित राम निरुपाधिकम हे शंकर जी हमें कृपा करके ब्रज में जो विलास करते हैं जुगल सरकार उनके चरण में हमें भक्ति दो उनके चरण में हमें प्रणाम प्रेम दो है। इसलिए महाप्रभु हर चीज को सामंजस्य करते हुए चले सामंजस्य करते हुए चले। इसलिए महाप्रभु कहीं भी शंकर जी के मंदिर होते थे जाते थे। यहाँ पुरी में जो शंकर है लोकनाथ किसने स्थापन किया भगवान राम ने। रामेश्वर को किसने स्थापन किया भगवान राम ने स्थापन किया है हैं? भगवान राम ने स्थापन किया है। इसलिए भगवान ने सब शंकर जी को स्थापन किया। यहाँ पर कह रहे हैं कहते हैं महाप्रभु शंकर जी के मंदिर में जाकर प्रणाम किया उनको हाँ प्रणाम करके शिक्षा देते हैं कभी भी शंकर जी को अवमानना नहीं करनी चाहिए हाँ? नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते महाप्रभु ने जो लेकिन कुछ कुछ लोग शंकर जी को पूजा करके क्या करते हैं शंकर जी को ही सर्वश्रेष्ठ जो मानते हैं हैं जो सर्वश्रेष्ठ मानते ही गलती है। इसलिए 10 तरह का अपराध है उसमें एक अपराध है कद भगवान को साथ में शंकर ब्रह्मा जी को बराबर करना ये एक अपराध है हैं शंकर जी को साथ में बराबर करना। इसलिए शास्त्र में एक श्लोक बताए बोले सर्वत्रीन विक्षते सब पाखंडी भवति दुर्भव जो रुद्र ब्रह्मा रुद्र आदि देवते जो व्यक्ति भगवान को साथ में ब्रह्मा शंकर जी को बराबर करते हैं बोले सब पाषंडी भवेत ध्रुवम ध्रुव निश्चित रूप में वो व्यक्ति पाखंडी। इसलिए कभी भी भगवान को साथ में शंकर जी को बराबर नहीं करनी चाहिए। कहते यह चीज को कहते शंकर भी कभी सहन नहीं कर सकते। इसलिए
कहते वृंदावन दास ठाकुर कहते प्रभु लंघिया जेवा दास से भक्ति करे प्रभु से ही का खाई तार तार संगाए। कहते जो व्यक्ति भगवान को अनादर करते हुए शंकर जी को आदर करते लेकिन भगवान को अनादर करते हैं, शंकर जी क्या कहते करते करते क्या भोग खाई से ही प्रभु तारे संगारे उसका भोग को ग्रहण करता है और उसको संहार करते है। जो कौन है बोला उदाहरण कोई है कहते श्री कौन है उदाहरण रावण। रावण किसको पूजा करता था शंकर जी को। हनुमान जी कौन है शंकर है हनुमान शंकर स्वयं। तो हनुमान ने क्या किया जाकर के पूरा लंका में आग लगा दी। भैया तू जिसका ब्रह्म स्वयं जिसका पूजा कर रहा है रावण जिसका पूजा कर रहा है फिर वही जाकर के शंकर जा उसको लंका में आग लगा। बोले क्यों पूजा उसकी ग्रहण करते हैं इसलिए कहते प्रभु रे लंकिया जेवा दास से भक्ति करे। जो व्यक्ति भगवान को उल्लंघन करके दास को भक्ति करते हैं भगवान उसका पूजा खाकर उसको ही संहार करते हैं, उसको ही संहार करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु आए महाप्रभु कह रहे हैं बोले निताई कभी तभी क्या तू क्या करते हो मेरे समझ में नहीं आता है। अभी मैं संन्यास ग्रहण किया बोले कोथा तुम्हें हमारे करीब संवरण अरे जमत आमार भाई सन्यास रख है। अभी नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु हर संघ भगवान की सेवा करते हैं ना अभी तुम्हारे क्या कर्तव्य है तुम्हारे ये कर्तव्य है अभी मैंने सन्यासी ग्रहण किया अभी मेरे ये सन्यासी कैसे रखिया हो ये किसका कर्तव्य तुम्हारी कर्तव्य मेरी सन्यासी कैसे हो उसको रखिया करना। लेकिन तुमने क्या किया दंड ही तोड़ दिया मेरा तुमने दंड ही तुमने तोड़ दिया है। अब तुमको मेरा मेरे को कोई शांत करना चाहिए तुम खुद ही पागल बन रहे हो। अरे अगर तुम खुद पागल बन रहे मेरे को कैसे तुम रखा करोगे पहले तो अच्छे बनो हैं। तब नित्यानंद प्रभु कह रहे बोले प्रभु मैं क्या अपना इच्छा से कुछ कर सकता हूँ आप मेरे को जैसे नचाते हो मैं से नाचता हूँ मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं मेरे द्वारा आप जो कुछ करते हो मैं सब कुछ करता हूँ है। इसलिए सभी नहीं बोल सकते अगर हम कहते ना अपना इच्छा है जीव कोटि इच्छा करें इसलिए कहते कृष्ण इच्छा बिना किछु फल नहीं दे जगत में जो कुछ होता है उसकी इच्छा से होता है उनके इच्छा के बगैर हम कहते ना कि पता भी नहीं हिलता है। अगर हम ही अगर बोलना शुरू करते हम जो कुछ करते भगवान कराते अगर हम बोलना शुरू करते जो कुछ करते उसको इच्छा के बगैर पता भी नहीं हिलता है जो हम जो कुछ कर रहे हैं उनकी इच्छा नहीं ये बात को कौन कह सकता है एक शुद्ध भक्त ही कह सकता है, है? तुम्हारी इच्छाएं मेरे इंद्रिय चालन तुम्हारी इच्छा से ही हमारी इंद्रिय चालन है एक शुद्ध भक्त कह सकता सभी नहीं कह सकते। इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं बोले प्रभु तुम जैसे करवाते हो वैसे करता हूँ। यदि यहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का महिमा को यहाँ प्रकाश कर बोले सावधान कहते नित्यानंद स्थान जहाँ अपराध मोर दोष नाही तार प्रेम भक्ति पाद। अगर नित्यानंद प्रभु का चरण में अगर कोई अपराध करे तो वो कभी भी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। नित्यानंद प्रभु जो कुछ करता है मेरी इच्छा से करता है इसलिए जो दंड को तोड़े किसकी इच्छा से मेरी इच्छा से दंड तोड़े क्यों कहा दंड में जिसको हृदय में जिनको धारण करता हूँ भले वो तुमको दंड तुमको धारण करेंगे तुमको बहन करेंगे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं ये दंड कौन धारण किसको धारण करनी चाहिए बोले जीवों को। जीवों को धारण करनी चाहिए संन्यास लेकर के त्रिदंड धारण करनी चाहिए क्योंकि जो जीव है इसलिए भक्ति दो तरह का है एक वैधि भक्ति और एक राग भक्ति है। अभी हम लोग वैधि भक्ति के अनुरूप चल रहे हैं इसलिए हमें ये त्रिदंड जीवों को धारण करनी चाहिए भगवान को धारण नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर है इसलिए नित्यानंद प्रभु जो कुछ करते हैं सब कुछ उनको इच्छा से नित्यानंद जहार तिलक दोष रहे भक्त हैलो से हमार प्रिय नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जो व्यक्ति नित्यानंद का चरण में कोई दोष करता है वो जितने मेरे प्रिय होने पर भी कहते हैं कहते भक्त हैलो से हमार प्रिय नहीं वो मेरे भक्त होने पर भी मेरे प्रिय नहीं। ऐसे करते करते महाप्रभु कहाँ पर आए बोले श्री रेमुना में आए और रेमुना में महाप्रभु ने क्या देखा श्री गोपीनाथ है श्री खीरचरा गोपीनाथ को दर्शन किया बोले श्री खीरचरा गोपीनाथ की कहते जो खीरचरा गोपीनाथ कैसे बना है कहते भगवान स्वयं स्वयं को बनाया केवल एक ही विग्रह है दुनिया में
जो ठाकुर ठाकुर जी को बनाया और कोई विग्रह नहीं है। इसलिए जिस समय राम लक्ष्मण सीता वनवास हो गए, जब दंडकारण्य में आए वहीं पर रुके, ऋषि मुनियों का आश्रम के पास में रुके हुए थे, हठात आंधी तूफान आया। आंधी तूफान आया तो जितने गैया बछड़े थे ना सब इधर उधर भागना शुरू कर दिया। भगवान बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। सीता जी ने पूछे, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले सीते, मैं तृतीय युग में तो अभी दशरथ का बेटा बन करके आया हूँ, द्वापर युग में मैं ग्वाला बन कर आऊंगा, नंदक लाला बन कर आऊंगा, और मैं गैया चराऊंगा, 9 लाख गैया है, 9 लाख गैया होंगी, और इसी अवतार में तो तू तो एक अकेली पत्नी है। उस समय तो मैं जब रास करूंगा ना, कहता आता है 100 करोड़ गोपी, कहीं आता है 300 करोड़ गोपी है, इतने गोपियों को साथ में रास करूंगा, और जो द्वारका जाऊंगा ना 16108 पटनानी होंगी, इतना शादी करोगे? बोले हाँ इतना शादी करूंगा। इसलिए और अभी ये इसलिए मैं और मेरे बहुत बाल बाल होंगे मेरे साथ, मिश्रताम दाम वसुधा मधुमंगल सब बहुत सखियां होंगी, ललिता विशाखा चंपक लता तुंगभीता चित्रा सुचित्रा कंस को मैं पछाड़ दूंगा है, और कंस को चारण पुष्टि को। इतने में सीता जी ने कहा, प्रभु हम जब तृतीय युग में अब आओ द्वापर युग में आओगे, आप कृपा करके थोड़ा दिखाओगे आपका रूप कैसे होगा, आपका गोप गोपी कैसे होंगे, आपका लीला कैसे होगा, थोड़ा दिखाओगे? बोले ठीक है, मैं 7 दिन बाद में तुमको दिखाऊंगा। इतने में भगवान राम ने एक गुफा में प्रवेश किए। गुफा में जब प्रवेश किए, एक पत्थर गुबर में तीर से वो रूप बना रहे थे, लेकिन अभी केवल 4 ही दिन हुआ है, अभी नहीं हुआ अभी 7 दिन। अभी सीता इतने उतावला हो गई थी, इतने उतावला हो रही थी, बोले प्रभु मेरे को अपना उतावला सहन नहीं हो रहा है, अब दिखाओ कैसे आप बनोगे। तब जो बन चुका था भगवान निकाले, जब निकाले तो उन्होंने देखा बड़ा सुंदर एक पत्थर के ऊपर में भगवान स्वयं गोपीनाथ जी को बनाए, उसमें गोप बाल बाल चारों पुष्टि को साथ में कैसे कृष्ण बलराम युद्ध कर रहे हैं, सखा सखी है। इतने में सीता देख करके बोले वाह प्रभु आप तो बड़े सुंदर हो है, बड़े सुंदर हो, लेकिन ये आप में और इनमें करीब करीब बराबर तो लग रहे हो, लेकिन थोड़ी सी फर्क है। बोले क्यों? बोले आप तो सीधा खड़े हो, लेकिन ये जो मूर्ति है ना 3 जगह उसमें टेढ़े है, प्रभु तो टेढ़ा तो बनूंगा ही। बोले आपका हाथ में धनुष है, लेकिन इनके हाथ में बंसुरी है, और आपका जो आंख है ना बड़ा गंभीर, लेकिन इनका जो आंख है ना बड़ा चंचल दिख रहा है, और इतने गोपी जी का होगा तो चंचल होगा ही, इसलिए और बोले प्रभु मैं इनको पूजा सेवा कर सकता हूँ? बोले हाँ करो। स्वयं सीता उस सेवा दंडकारण्य, लेकिन जब विश्वामित्र जी और दूसरे ऋषि लोग प्रार्थना करने पर फिर जब उसको छोड़कर कहीं चले गए ना, फिर ठाकुर रह गया। नियम है जब किसी ठाकुर का पूजा शुरू हो जाए ना, वो पूजा कंटिन्यू होनी चाहिए। इसने आज भोग लगाया, आज पूजा किया, कल नहीं किया, ये अपराध है, इसलिए कंटिन्यू होनी चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा इसको तो माता सीता छोड़े चले गए, अभी पूजा कौन करेगा? ब्रह्म लोगों से रोज आकर के पूजा करते तो विग्रह को, लेकिन जब हमारा देश का लांगुला नरसिंह देव भ्रमण करते करते जब वहां पर पहुंचे और ठाकुर जी को देखा, इतने सुंदर ठाकुर कोई सेवा पूजा नहीं कर रहे, उनको पता नहीं था ब्रह्मा पूजा कर रही, फिर उन्होंने लेकर ले आए, ला करके जब रेमुना में रखे, रेमुना मतलब रमन, रेमुना मतलब रमन, बड़ा सुंदर स्थान था वहां पर, वो स्थान वहां पर पहले कुछ ग्वाला लोग रहते थे, गैया का भी बड़ा सुंदर, कृष्ण को बहुत अच्छा लगा। इतने में स्वप्न दिया राजा को, बोले यहाँ से मत ले जाया करो, यहाँ पर जाति भाई लोग पूछ रहे, और यहाँ रहोगा तो रो रो राबड़ी मलाई रस सब मिलेगा खाने के लिए, और मेरे को तो प्रिय है, मेरे को यहीं रख दो। फिर ठाकुर को उन्होंने वहीं रख दिए, और वहां पर बाहर सपड़ में क्या होता है, अमृत गली है, खीर भोग लगता है ठाकुर जी को, जिसको माधवेंद्रपुरी के लिए चोरी किया तो ठाकुर का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ, पहले उनका नाम गोपीनाथ था, जब उन्होंने चोरी किया इसलिए उनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। सब जो जाते हैं कौन बोलते, चोर चोर, गलत चोर को अगर चोर बोल दो ना डंडा लेकर मारने दौड़ेगा, बोला हमें चोर कह रहे हो है, लेकिन भगवान को सब चोर कह रहे, भगवान खुश हो, चोर तो हूँ, मुझे सबसे बड़ा डाकू, मेरे से
मेरे जैसे भाई जगत में कोई डाकू होगा, चोर होगा, इसलिए बल्लभ से ऐसे कहते हैं चोराग्रगन्नम पुरुषम नमामि। चोर में सबसे बड़े चोर ये हैं, क्योंकि क्या करते हैं, मन को चोरी करते हैं, पाप को चोरी करते हैं, हृदय को चोरी करते हैं, सबको चोरी करने वाला तो भगवान। इसलिए बोले खीरसरा गोपीनाथ की। इसलिए महाप्रभु कैसे आगे जा रहे हैं, और आगे जा करके कल महाप्रभु पूरी आने वाले हैं। महाप्रभु पूरी आने वाले, अभी पूरी की कथा सुनेंगे महाप्रभु ने क्या क्या लीला कथा की, और कोशिश करेंगे अगर कथा अभी आ रहे हैं, पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, पुरुषोत्तम महीना में होगा तो पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कथा हो सकता दसम स्कंध से हम लोग कथा सुनेंगे पुरुषोत्तम महीना में। ठीक है, वंचागल दुर्भस्य कृपा सिंधु पत्ता नाम पावने भो वैष्णव नमो नमः।